अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपको मोतीचूर लड्डू बनाना सिखा रही हूँ। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ ही बने बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें। मोतीचूर के लड्डू बनाने के लिए हमने एक प्याली बेसन लिया है। बेसन में हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको हल कर लेंगे। बैटर को हमने पतला रखना है, गाढ़ा नहीं करना है। देखें इस तरह का पतला बैटर तैयार कर लें। एक पैन में घी गरम करें। तकरीबन एक कप घी गरम कर लें। जब घी गर्म हो जाए तो एक ऐसा चम्मच ले लें जिसमें छोटे छोटे सुराख हों। ये चम्मच आमतौर पर घरों में मौजूद होता है चावल पकाने वाला। जब घी गर्म हो जाए तो इस तरह से बैटर को इसमें से गुजार दें और इसको हिलाते रहें। एक छन्नी से छानकर इसको निकाल लें। सारे बेसन को इस तरह से तल लें और एक बाउल में निकाल लें। एक पैन में आधी प्याली चीनी डालें। इसमें एक कप पानी डालें और इसका शीरा बना लें। जब पानी में उबाल आ जाए तो इसमें एक पिंच येलो फूड कलर शामिल कर दें। अब इसमें आधा चम्मच लीमू का रस शामिल कर दें। अब ये जो हमने बेसन का चूरा बनाकर रखा है उसको इसमें शामिल कर देंगे और हल्की आंच पर पकाएंगे। इसको हम शीरा खुश्क होने तक पकाएंगे। अब हम इसमें थोड़े से पिस्ता बादाम शामिल कर देंगे। इसको मिक्स करें। देखें कितना प्यारा कलर आ गया है। जब शीरा खुश्क हो जाए तो हम इसको ढककर 2 मिनट के लिए दम दे देंगे बिल्कुल हल्की आंच पर। 2 मिनट बाद इसको खोलें, इसको अच्छी तरह से हिलाएं और चूल्हा बंद कर दें। इसको एक डिश में निकाल लें। डिश में निकाल कर इसको थोड़ा सा ठंडा होने दें। हमने कोशिश ये करनी है कि गरम गरम के लड्डू बनाएं, लेकिन ये अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, हाथ जलेंगे, इसलिए हम इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। इस तरह से मीडियम साइज़ के लड्डू बना लें। बहुत ही मज़ेदार से लड्डू तैयार हैं मोतीचूर के। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहें। ये देखिए कितने अच्छे लड्डू तैयार हैं।